Hello everyone, and welcome to another Bible study session. Bible study session में आप सबका स्वागत है. जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं हिंदी में आज से एक नए सिरे से हिंदी में अभी शुरुआत करने वाला हूँ, ताकि और भी लोग जुड़ पाए, और भी लोग सरल तरीके से वचन को हम जो अभी अध्ययन करेंगे, अभी जो सीखेंगे, उन चीजों को समझ पाए हमारे साथ जुड़ के. ठीक है, तो काफी दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, बट प्रभु बहुत सारी चीजें सिखा रहे थे और बढ़ने में मदद कर रहे थे. तो आज जो टॉपिक लेके मैं आया हूँ, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, मेरे दिल के बहुत करीब है. तो उसके बारे में हम सीखेंगे और बढ़ेंगे प्रभु में. ठीक है, तो जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेइंग और स्पीकिंग इन टंग्स. व्हाट इज द नीड ऑफ एग्जैक्टली प्रेइंग इन टंग्स, जरूरत क्या है, यू नो. उससे वो जानने के लिए हम वचन से ही सीखेंगे. वचन में पहले हम जॉन चैप्टर 4 वर्स 24 हम खोलेंगे. खोलेंगे यहाँ पे योहन्ना उसका 4 24वां वचन. गॉड इज स्पिरिट एंड दोज हु वर्शिप हिम मस्ट वर्शिप इन स्पिरिट एंड ट्रुथ. क्या लिखा है यहाँ पे? प्रभु एक आत्मा है, तो जो भी उनका उनकी स्तुति आराधना कर रहे हैं, उन्हें आत्मा में स्तुति आराधना करना है और सच्चाई में. ठीक है, ये पहला वचन हम पढ़े. दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अभी रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस 26 एंड 27. Likewise, the Spirit helps us in our weaknesses, for we do not know what to pray as for as we ought. But the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. And He who searches hearts knows what is the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि tongues एक्चुअली क्या है. पहली बात ना, प्रार्थना करना या टंग्स में बात करना सब एक ही है. इट्स लाइक डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग भाषाओं के भाषाएं की तरह बन जाती हैं. ठीक है, ये हम कैसे जान रहे हैं? हम लोग यहाँ पे फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 14 हम ओपन करते हैं और वर्स 2 हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, फॉर वन हू स्पीक्स इन टंग स्पीक्स नॉट टू मेन बट टू गॉड. For no one understands him, but he utters mysteries in the spirit. ठीक है, यहां पे हमें इस बात को समझना है कि हम जो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का असली मतलब क्या है? Communicating with God, correct? प्रभु से वार्तालाप करना, उसका मतलब है प्रार्थना करना. जब हम वार्तालाप करते हैं, जब हम बात करने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? दो तरफा, करेक्ट? मैं भी बात कर रहा हूं और सामने वाला भी मुझसे बात कर रहा है. ऐसा तो है नहीं कि बात करने का मतलब मैं ही बोलता जाऊंगा, सामने वाला चुपचाप बैठा है, तो वो बातचीत नहीं होती, वो एक प्रचार करने टाइप हो जाता है. ठीक, तो प्रेयर इज नथिंग बट अ कॉन्वर्सेशन विद गॉड. ठीक है, तो जब हम टंग्स में प्रे करते हैं तो वो एक तरीके का कम्युनिकेशन हो गया, करेक्ट? तो जब हम टंग्स में प्रार्थना कर रहे हैं, इसका मतलब अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो एक कम्युनिकेशन के बराबर हो गया प्रभु के साथ, मतलब वो एक लैंग्वेज हो गया, करेक्ट? अभी जब हम टंग्स की बात करते हैं, तीन प्रकार के टंग्स होते हैं. ठीक है, पहला डाइवर्सिटी ऑफ टंग्स. ठीक है, डाइवर्सिटी का मतलब हो जाता है अलग अलग प्रकार के लैंग्वेजेस, जैसे कि हिंदी हो गया, तमिल हो गया, मलयालम हो गया, मराठी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये अलग अलग लैंग्वेजेस हो गए, वर्ल्डली लैंग्वेजेस, डाइवर्सिटी ऑफ टंग्स. ठीक है, अलग लैंग्वेजेस. सेकंड जो है, जो हम बाइबल में से जानते हैं, वो है हेवनली टंग्स, जो स्वर्गदूत भी समझते हैं, जो भाषा, अन्य भाषा जो स्वर्गदूत भी समझते हैं. ठीक है, और तीसरा हो जाता है, जिसके बारे में हम आज बातचीत करने वाले हैं या फिर आज सीखने वाले हैं, वो है अननोन टंग्स. जब हम केजेवी वर्जन ओपन करते हैं, फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 14 वर्स 2, फॉर ही दैट स्पीकेथ इन एन अननोन टंग
ठीक है, केजेबी वर्जन में एक्चुअली सही तरीके से लिखा गया है, जो इंसान एक अनजाने भाषा में बात करता है वो इंसान से नहीं लेकिन स्वयं प्रभु से बात करता है। अभी हम लोग जब रोमन्स चैप्टर 8 में हम लोग सीखे अभी अभी, स्पिरिट हेल्प्स अस इन आवर वीकनेसेस फॉर वी डू नॉट नो व्हाट वी ऑट टू प्रे, हमें पता नहीं होता है कि क्या सही है प्रार्थना करना। करेक्ट, काफी बार हमारी प्रार्थनाएं गलत हो सकती हैं, कभी कभी कुछ चीजों के जरिए हम गुजर रहे होते, कुछ प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में आई होती हैं, हम लोग सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम्स शैतान ला रहा है और हम उस चीजों को हम नकारना चालू करते हैं, अरे ये प्रॉब्लम ऐसा है, वो प्रॉब्लम वैसा है, लेकिन प्रभु कुछ चीजों के जरिए हमें जाने के लिए अलाउ करते हैं, कुछ हालातों से गुजरने के लिए प्रभु अलाउ करते हैं। उस जगह पे अगर हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये ये हालात पूरा टूट जाए या हालात यहीं पे रुक जाए, तो वो प्रार्थना ही गलत हो जाती है। तो उन जगहों पे हमारा प्रार्थना करना, सही प्रार्थना करना हमारे लिए, हमारे समझ के परे होता है। तो यहां पे पवित्र आत्मा हमारे जरिए प्रार्थना करते हैं, जहां पे वो प्रभु से शक्ति मांगते हैं, पिता से शक्ति मांगते हैं कि हम सही तरीके से इस राह पे चल पाए, जो मुसीबतें हैं, शायद जो मुश्किलें हमारी जिंदगी में हैं, उनमें आगे हम सही तरीके से बढ़ पाए। करेक्ट, अभी उसी जगह पे अगर हम देख रहे हैं कि हमारी प्रार्थनाएं जो हम अभी बात कर रहे हैं वो गलत किस तरह से हो जाती है, कि कभी कभी हम एक तरीके की जिंदगी के आदि हो जाते हैं और हम उस जिंदगी में जीते जीते हमारी प्रार्थना भी उस जिंदगी के अनुसार हो जाती है, जबकि प्रभु हमारे लिए उससे बड़ी चीजों को रखे, बट हमारी प्रार्थनाएं हमारी जिंदगी, हमारे जीवन के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनने लगती है। Our prayers usually are according to the standards of our life and accordingly are our needs and our wants. हमारी जरूरत, हमारी चाहत, हमारे जो भी wishes and desires रहते हैं, वो सब हमारे present situation पर, present surrounding, present conditions के ऊपर पूरा आधारित हो जाता है। पर जब हम आत्मा के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होते हैं, आत्मा वो गहरी चीजों को मांगने लगते हैं जो शायद हम शायद जानते भी ना हो। करें उसी जगह पे तीनों वर्सेस को अगर हम साथ रखते हैं, पहली बात प्रभु एक आत्मा है, हमें आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए। दूसरा ये कि जो भी अन्य भाषा में बात करता प्रार्थना करता है वो किसी इंसान से नहीं पर स्वयं प्रभु से बात करता है। ठीक, तीसरी बात हम लोग जो सीखे वो ये थी कि प्रभु के इच्छानुसार हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे अगर हम रोमन्स चैप्टर 8 का 27 पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है द स्पिरिट इंटरसीड्स फॉर द सेंट्स अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड। आत्मा सिर्फ, पवित्र आत्मा सिर्फ हमारे जरिए प्रार्थना नहीं करती, पवित्र आत्मा हमारे जरिए पिता के इच्छानुसार प्रार्थना करती है। राइट, काफी लोग हम आज भी इस एक इल्यूजन में आज जी रहे हैं कि अगर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे मेरी जिंदगी में कोई असर नहीं होने वाला है। मैं आज ये विश्वास करता हूं और इसमें मैं किसी तरह का भी संदेह नहीं है मुझे, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, वेयर अगर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करता तो मेरी जिंदगी की आधे प्रॉब्लम्स जो भी है शायद उसी वजह से है, क्योंकि मुझे समझ नहीं है कि मैं क्या मांग रहा हूं, क्या प्रार्थना कर रहा हूं, और मैं पवित्र आत्मा को, खुद को पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पण करने के लिए तैयार ही नहीं हूं अगर मैं आत्मा में प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। तो अगर मैं आज महाराष्ट्र में पैदा हुआ हूं, मुझे मराठी जानना जरूरी है, ये कंपल्सरी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं ओडिशा में पैदा हुआ हूं, मुझे ओरिया जानना जरूरी है, कंपलसरी है, इसमें कोई दोहराव नहीं है। उसी तरह से अगर हम स्वर्गीय पिता जो हमारे प्रभु हैं, अगर हम उनके बच्चे हैं तो उनके भाषा में
जैसे कि हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं फर्स्ट कोरिन्थियंस 14 वर्स 2 में पढ़ते हैं, वन हु स्पीक्स इन टंग्स स्पीक्स नॉट टू मेन बट टू गॉड. जो भाषा सिर्फ वो समझते हैं, अगर मैं उनका बेटा हूं तो सिर्फ उनके साथ बात करने के लिए मेरे पास वो माध्यम होना, उस माध्यम की जानकारी होना जरूरी है, कंपलसरी है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है. अगर आपको लगता है कि अगर ये मैं नहीं कर रहा हूं तो कोई गलत नहीं है, तो आज आप एक गलत रास्ते पे ऑलरेडी जा चुके हो. फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं प्रभु में और गहरी रीति से बढ़ते हैं और जाने, हम सब ये जाने कि क्या चीजें हैं जो एक ऑप्शन नहीं है. प्रभु में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजें हमारे लिए कंपलसरी है. शत्रु हमारे लिए या फिर शैतान हमारे लिए इस दुनिया के माहौल में एक ऐसा एक मायाजाल रचा हुआ है कि हम ऐसे ऐसे चीजों पे विश्वास करके उन चीजों पे जिद में ऐसे अड़ गए हैं कि हम अपने मनोचता को बदलने के लिए आज तैयार नहीं है. और हमारे दिमाग के कठोरता, हमारे दिमाग की कठोरता ही हमारे जिंदगी की एक बहुत बड़ी बाधा बन चुकी है. प्रभु में और भी बढ़ते हैं, मिलके आगे बढ़ते हैं और जाने कि हमारे हमारे पिता के साथ रिश्ते में और गहरी रीति में बनने के लिए हमें क्या क्या जरूरी है, उन चीजों को और सीखते हैं. प्रभु आप सबको सबको आशीषित करें. हम सब प्रभु से मांगते हैं आज, मांगेंगे आज कि हे पिता, हमें अन्य भाषा का वरदान दे. ये हर एक का जन्मसिद्ध अधिकार है अन्य भाषा में बात करना, ये आप सबका जन्मसिद्ध अधिकार है. तो आप सब, हम सब ये आज प्रभु से मांगेंगे कि हे पिता, मुझे आत्मा में बढ़ने में मदद कीजिए ताकि मैं आपसे सीधा बात कर सकूं और आप मेरे जरिए, मेरे मुख के जरिए उन गहरे रहस्यों को बोलें जो मेरे जिंदगी में आशीषों के तरह आएंगी. प्रभु आप सबके साथ रहें, आप सबको आशीषित रखें. गॉड ब्लेस यू ऑल.